आज का टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। तो आज हम बात करते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। ये डिफाइंड किया जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द सेंसरी लेयर, यानी कि जो रेटिना है तो रेटिना का अपनी जो सेंसरी लेयर से डिटैच हो जाना, यानी कि वहाँ से अलग हो जाना, इसको हम कहेंगे रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि डिटैच हो जाना या अलग हो जाना। तो जो रेटिना है वो अपनी लेयर से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे रेटिनल डिटैचमेंट। अब जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो किसी भी सर्जरी यानी कि सर्जिकल जो प्रोसीजर्स है उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है, जैसे कि जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसके द्वारा अगर आई में कहीं पर भी जो रेटिनल पर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो रेटिनल जो लेयर हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो डिटैच हो सकती हैं, या कोई भी किसी भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो रेटिना की जो लेयर हैं वो डिटैच हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है आई ट्रॉमा। तो आई ट्रॉमा में है जैसे कि जो किसी भी आई एरिया में अगर इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आई के ऊपर प्रेशर पड़ा है, तो जो रेटिना है उसके जो लेयर्स हैं वो अलग हो जाए रेटिना से, तो तभी हम जो कह सकते हैं कि जो आई ट्रॉमा है वो कॉज कर सकता है रेटिनल डिटैचमेंट को। नेक्स्ट है इसके अलावा एज। तो एज यानी कि इंक्रीजिंग एज, या फिर जो 40 से या 50 के बाद का जो अबव जो एज है, तो इंक्रीजिंग एज की वजह से भी रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो कॉज हो सकता है किसी भी रिस्क फैक्टरों की वजह से, या फिर हम कहेंगे कि जो रेटिनल सेल्स का डिग्रेडेशन, तो रेटिनल सेल्स के डिग्रेडेशन की वजह से भी रेटिनल अटैचमेंट डिटैचमेंट जो है वो कॉज हो सकता है, जिसमें कि जो रेटिना की जो सेल्स हैं वो डिग्रेडेट यानी कि उनमें जो माल फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उनका सेल जो है वो नष्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रेटिनल जो लेयर हैं वो डिटैच हो सकती हैं एक दूसरे से, जो कि रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकती हैं। इसके बाद है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में जैसे कि डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है, तो जो डायबिटीज़ की वजह से जो आई है उसके जो पार्ट्स हैं उनमें क्या हो जाना, वीकनेस हो जाना, या फिर रेटिना का वीक हो जाना, तो उसकी वजह से भी जो रेटिनल लेयर है वो अलग अलग हो सकती हैं, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में है स्लोली पेनलेस, यानी कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है ये एक स्लोली प्रोसेस है, ये बहुत धीमे कॉज होता है, और साथ ही साथ ये पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है। इसके अलावा ब्लर्ड विजन कॉज करता है, यानी कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो सही से विजन फॉर्म जो है नहीं हो पाएगा, इसमें विजन क्या होगा, ब्लर्ड विजन होगा। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया की कंडीशन देखी जाती है पेशेंट के अंदर, जैसे कि सेंसिटिविटी फ्रॉम लाइट, उनको जो जो लाइट है उससे उनको इरिटेशन होगी, जिसको हम कहेंगे फोटोफोबिया। नेक्स्ट है इनेबिलिटी इन सी डिम लाइट। तो जो भी लोग हैं जिनको रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन है वो डिम लाइट में जो है वो देखने के लिए अनेबल रहेंगे, वो नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है विजन लॉस, यानी कि ब्लर्ड विजन के बाद जो है वो ब्लड जो विजन लॉस की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखी जाती है। इसके बाद है डायलेटेड प्यूपल और रेडनेस। तो जो प्यूपल हैं वो डायलेटेड देखे जाते हैं, और साथ ही साथ आइज़ के अंदर रेडनेस की कंडीशन देखी जाती है। मेनली जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसमें जो पेशेंट है वो इनेबल रहता है डिम लाइट में देखने के लिए, इसके अलावा जो पेशेंट है उसका ब्लर्ड विजन रहता है, और जो विजन है वो बहुत ज़्यादा विजन प्रॉब्लम्स उन लोग में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में ऑप्थेल्मोस्कोपिक जो टेस्ट करवा सकते हैं, या इसके अलावा अनदर टेस्ट हम करवा सकते हैं जिसमें देखा जाता है कि एक जो है डायलेटेड प्यूपल टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि देखा जा सकता है कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो कितना सीवियर कॉज हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें कि क्रायो सर्जरी कर सकते हैं या फिर स्क्लेरल बल्किंग कर सकते हैं। तो क्रायो सर्जरी की कंडीशन में जो है फ्रीजिंग रेडिएशन के द्वारा जो रेटिनल डिटैच हुआ है, जो लेयर डिटैच हुई हैं, तो फ्रीजिंग रेडिएशन के द्वारा उनको करेक्ट किया जाता है, और जो लेयर हैं उनको दोबारा से अटैच किया जाता है इन दी क्रायो सर्जरी। तो उसमें जो रेटिनल लेयर है उनमें करेक्शन करके उनको दोबारा से अटैच किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्लेरल बल्किंग। तो इसमें स्क्लेरल जो बकलिंग है उसमें
जो सिलिकॉन बॉन्ड है, सिलिकॉन बॉन्ड के द्वारा उन पर जो रेटिना है उस पर प्रेशर देकर उसमें क्या किया जाता है कि जो भी रेटिनल लेयर हैं जो डिटैच हुई हैं उनको दोबारा से करेक्ट किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, जिससे क्या किया जा सकता है, जो रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसको लेकर सबसे पहले जो है जो भी प्लेस हैं उनका ओरिएंटेशन करेंगे हम, जो पेशेंट है उसको लेके जो भी प्लेस है वो जहाँ पर भी रहते हैं तो हर एक जगह को लेके ओरिएंटेशन करेंगे उनका, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना आए, जब भी जो सर्जरी हुई है उसके बाद जो पेशेंट है उनको प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद है आई पैच यूजेस, तो आई पैचेस यूजेस के लिए हम पेशेंट को कहेंगे, जिससे कि उनका जो जैसे कि ज़्यादा लाइट है तो उसमें क्या कर सकें, वो ठीक से देख सकें, आई पैचेस का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है रेस्ट, तो जो भी जो पेशेंट का जो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है यानी कि जो रेटिनल डिटैचमेंट के लिए जो सर्जरी हुई है उसके लिए हम उसके बाद प्रॉपर रेस्ट एक पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो ठीक से हो सके और जो भी पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस अगर देखी जा सकती हैं तो उनको प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद है एंटीबायोटिक्स, तो जो भी हम देखेंगे कि इन्फ्लामेशन के जो साइन है वो डिटेक्ट करेंगे पेशेंट में, कि सर्जरी के बाद जो है कहीं इन्फ्लामेशन, रेडनेस तो कॉज नहीं हो रही, स्वेलिंग तो कॉज नहीं हो रही है आई एरिया में, अगर ऐसे कोई भी साइन देखे जाते हैं तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जिससे कि जो है आफ्टर सर्जरी पेशेंट को जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे, जिससे कि जो आने वाले टाइम में अगर उनको इन्फ्लामेशन की वजह से अगर जो कॉज हो सकता है यानी कि जो भी कॉम्प्लिकेशन या जो भी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, आई रिलेटेड जो भी विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उनको करेक्ट किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके बाय द एंटीबायोटिक, तो इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। और साथ ही साथ उनको पेशेंट को जो है हम सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उनको कहेंगे कि वो सही से जो है जो हाइजीन है वो मेंटेन करें, इसके अलावा वो ज़्यादा लाइट एरिया में, लाइटिंग एरिया में ना जाएं, जिससे कि जो आई के ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो ये था हमने देखा था कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, जिसमें क्या था कि रेटिना की जो लेयर है वो उनका जो है डिटैच हो जाना या उनका अलग हो जाना एक दूसरे से, जिसको हम कह रहे थे कि रेटिनल डिटैचमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ब्लर्ड विजन या फिर विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखी जाती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक से नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।